यम तुम किसी से कम नहीं, यम किसी से कम नहीं। जीवन की नैया जब डूब जाए, यमराज लगाए उसे पार। भीषण अड़चन है इस काम में, और ऊपर से ये सरदर्द परिवार। एक धरतीवासी मोह माया की प्यासी आ गई इनकी लाइफ में। एक आदर्श भारतीय पत्नी के सब गुण है इनकी वाइफ में। धरती से यमलोक तक ये खाली हाथ नहीं आई थी, एक न्यारा प्यारा राज दुलारा उपहार साथ ले आई थी। घर ही नहीं ऑफिस का भी हुआ है बुरा हाल, ओवर क्वालिफाइड दूत इनका करता है हमेशा कमाल। जीवन मृत्यु मृत्यु जीवन इनकी पोथी में बस यही। दूसरे देवता भले हो लोकप्रिय, पर यम किसी से कम नहीं। सर, सर, आपने मिस्टर चुगानी का प्राण कल लिया था या परसों? नालायक, उनके प्राण हम आज लेने वाले हैं, और वो मिस्टर चुगानी नहीं मिसेस चुगानी है। एक काम भी ठीक से होता नहीं है, चार आंखों के बाद भी ठीक से नहीं देख पाते। ओहो दूत, अब लड़कियों की तरह चिल्लाना बंद करो। और वो मैं नहीं था, वो आवाज किचन से आई। जिगना, जिगना क्या हुआ? आप ऐसे टेबल पे क्यों चढ़ी हैं? मैंने मैंने चूहा देखा, इतना बड़ा। उस तरफ आपने ना हमें डरा ही दिया। आज भाभी जी, छोटे से चूहे से कोई इतना कैसे डर सकता है? उतर नीचे, उतर। नहीं सर, आप मुझे ऐसे ही बाहर छोड़ के आइए प्लीज। हमने पूरे घर में चूहादानी डाल दिया है, वो भी ताजे ताजे पनीर के टुकड़े के साथ। क्या पनीर है, हमसे नहीं रहा जा रहा, फिर चूहा क्या चीज है? देखिएगा, कल सुबह तक चूहा हमारी कैद में होगा। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लीजिए। जिगना, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि फिजूल खर्च हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जो कार्य हम खुद कर सकते हैं, वो दूसरों को पैसे देकर क्यों करवाएं? सर, भाभी जी ठीक कह रही है, वो लोग इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। क्या एक्सपर्ट होते हैं? उनके पास क्या कोई जादुई छड़ी है जिसे छू मंतर करके चूहा गायब कर देंगे? वो भी ऐसे ही जाल डालेंगे, और भाभी जी की चमचागिरी करने के बजाय ना हमसे सीखो कि आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं और कंजूस कैसे बनते हैं, ये भी सीख लो। फिर चाहे चूहा पूरे घर को खा जाए, लेकिन ये थोड़े से पैसे खर्च करके पेस्ट कंट्रोल वालों को कभी नहीं बुलाएंगे। देखिए जी, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक ये चूहा पकड़ा नहीं जाता, मैं इस किचन में एक कदम नहीं रखने वाली। तब से आप चिकना, लेकिन हमारे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनका क्या? हमारे लिए खाना तो बना दीजिए। आत्मनिर्भर है ना आप, तो खुद का काम खुद कर लीजिए, खाना खुद बना लीजिए। आई मिश, हाय। इतनी देर क्यों लगा दी, इससे क्या हुआ? मुझे क्या पता। हिमेश, सब ठीक तो है? ठीक कैसे हो सकता है, आज सुबह से मेरा टॉमी नहीं मिल रहा है। टॉमी नहीं मिल रहा है, क्या मतलब? आज सुबह उसने मुझे मेरे मुंह पर चाट कर जगाया, फिर मैंने उसके कान के नीचे ऐसे ऐसे किया, उसे अच्छा लगता है ना इसलिए, फिर वो बाहर भाग गया, शायद अपनी बॉल लेने के लिए। वो खेलना चाहता था लेकिन फिर वो वापस लौटा ही नहीं। कोई बात नहीं हिमेश, वो तुम्हारी जिंदगी में अभी भी तो आया था। प्यार को वक्त के तराजू में मत तौलो मेरे दोस्त, भले ही वो मेरे साथ कम समय के लिए रहा, लेकिन जितना प्यार वो मुझसे करता था, आज तक उतना प्यार मुझसे किसी ने नहीं किया। अब पता नहीं
ऐसा प्यार मुझे कम नसीब होगा। देखो मैंने उसकी याद में ये ड्राइंग भी बनाई है। सच में बहुत क्यूट है टॉमी। वो टॉमी नहीं, वो मैं हूँ। टॉमी वो बाजू वाला है। टॉमी। सत्या, मुझे लगता है हमें हिमेश के लिए कुछ करना चाहिए ताकि वो टॉमी को खोने का दुख भुला सके। ये चूहा सारा पनीर खा गया लेकिन पकड़ा नहीं गया, कहीं चूहेदानी खराब तो नहीं हो गया? हाय हिमेश। हाय हिमेश, हम तुम्हारे लिए ऐसा कुछ लाए हैं जिसे देख के तुम वापस खुश हो जाओ। मुमकिन ही नहीं। अच्छा देखते हैं। अब सत्या। ये कौन है? अब ताराचंद, प्यार से तारू। अब ये टॉमी की जगह नहीं ले सकता लेकिन तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ तो दे सकता है। अरे ये देखो, ये तो टॉमी की तरह ही खुश हो रहा है। मेरा तारू। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। थैंक्स यार, तुम लोग सचमुच मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। पर टॉमी और तारू के बाद। सोचो दूध सोचो, कोई ना कोई उपाय तो होगा उस चालाक लोमड़ी को पकड़ने का। लोमड़ी नहीं सर, चूहा। रैट रैट रैट। सॉरी, हो गया। हमें क्या लगता है कि उस हल्के फुल्के पनीर के बजाय क्यों ना हम कोई भारी खाना चूहेदानी में फंसा दे ताकि वो उसे लेकर भाग ही ना पाए। जैसे आलू, बैंगन, गोभी। क्या सर, हम चूहे पकड़ने की बात कर रहे हैं और आप सब्जी बनाने में लगे हुए हैं। चूहों को ऐसा पसंद नहीं आता। सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको। क्या? पेस्ट कंट्रोल। वो लगाएंगे और चूहे को पकड़ के ले जाएंगे। अरे वो लोग एक्सपीरियंस होता है ऐसे कीड़े मकोड़े। चुप कर नालायक, तुम्हें पता भी है कि पेस्ट कंट्रोल वाले कितना पैसा लेते हैं? हमेशा पैसा खर्च करवाने के बारे में बोलना, कभी बचाने के बारे में मत बोलना। हमारे दिमाग में तो एक कमाल का विचार पनप रहा है। क्या? हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम बताते हैं तो तुम उसमें खोट निकालते हो। इस बार हम बताएंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। जिगना, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? वो चूहा पकड़ा गया क्या? नहीं, वो चूहा तो बहुत चालाक निकला, बार बार पनीर खा के भाग जाता है। तो फिर आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि हमने एक ऐसा उपाय निकाला है जिससे वो चूहा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। हमेशा के लिए? ऐसा कौन सा उपाय निकाला है आपने? घबराइए मत, सांप नहीं है इसमें। हाँ, हमने उसे रसोई घर में छोड़ दिया है। रसोई घर? हाँ, अब वो उस चूहे को कच्चा चबा जाएगा। क्या? आप घर में एक सांप ले आए, वो भी एक चूहे को पकड़ने के लिए? आपका दिमागी संतुलन तो ठीक है ना? और हम क्या करते? उस चूहे ने हमें ललकारा था, यमराज को, और आप क्या चाहती कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते? जब वो सांप उस चूहे को खाएगा ना, तब उस चूहे को पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी मोल लेने का परिणाम क्या होता है। और फिर? फिर क्या? फिर आप सांप को कैसे पकड़ेंगे? वो तो हमने सोचा ही नहीं। जिगना, जिगना घर छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता है? आहा,
क्या आवश्यकता है? हाँ। एक चूहे को पकड़ने के लिए आप घर में सांप ले आए। सांप? हाँ, सांप। अब इस सांप को पकड़ने के लिए पता नहीं क्या ले आएंगे। नेवला। अरे चुप। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिगना, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं तब तक इस घर में वापस नहीं आऊंगी जब तक मुझे यमलोक के पशु अधिकार केंद्र से ऑफिशियल लेटर नहीं मिल जाता कि आपके अलावा इस घर में कोई भी अजीब पशु पक्षी या प्राणी नहीं है। समझ गए आप? चिकना, कुछ सोचो दूध, कुछ सोचो। अगर आप उन्हें फूल या कोई गिफ्ट भेज दे तो वो जरूर वापस आ जाएंगे। नालायक, हम जिगना की नहीं सांप के बारे में बात कर रहे हैं। जिगना ने ठीक ही कहा था, उस सांप को पकड़ने का उपाय तो हमने सोचा ही नहीं। मेरे पास एक कमाल का आइडिया सर। खबरदार खबरदार, जो तुमने पेस्ट कंट्रोल की बात की तो चूहे के साथ साथ तुम्हें भी सांप को खिला देंगे। अब दरवाजा खोलोगे या वो भी हम ही करें? मम्मी जी, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। हाँ, क्यों? असुर जी ने, हमारा मतलब है ससुर जी ने कुछ किया? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। सारी गलती तो उस छोटे से शैतान की है। हिमेश, हिमेश ने क्या किया? हिमेश ने कुछ नहीं किया जमाई राजा, हमारे घर में चूहा घुस आया है। चूहा? लगता है आज सातों लोगों में चूहों की कंबाइंड रेट पड़ी है। मैंने भी जिगना के पापा से कह दिया है, जब तक उस चूहे को घर से नहीं निकालते ना, मैं उस घर में नहीं जाने वाली। ये घर छोड़ना इन लोगों की खानदानी बीमारी है। क्या? कुछ नहीं, हम तो आपसे ये कह रहे थे कि आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन जिगना घर पर नहीं है, है ना? पता है मुझे, अगर वो होती ना तो अब तक मुझे चाय और पानी के बारे में पूछ लेती हूँ। क्षमा चाहते हैं दूध। अब खड़े खड़े इनकी शक्ल क्या देख रहे हो? इनकी शक्ल में देखने लायक जैसा क्या है? जाओ चाय पानी पूछो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके ले लूंगी। तुम्हारे आगे बोलना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। दूध, हमें सांप पकड़ने का उपाय मिल गया। क्या? अभी अभी तो मम्मी जी ने कहा ना। क्या आप सांप को चाय पानी पिला के पकड़ने वाले? नालायक, चाय पानी नहीं, बीन। सांप को बीन बजाकर पकड़ेंगे। और तो तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी आवाज नहीं है सर। मम्मी जी, क्या हुआ? उधर, मम्मी जी आप नीचे उतर आइए, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना। अरे तुम क्या तीर मार लोगे हो? और ये सांप है, सांप। अब जमाई राजा, तुमने भैंसी के साथ साथ सांप भी पालना शुरू कर लिया क्या? नहीं नहीं, ये सांप पालतू नहीं है, ये जहरीला है। सौर ने उस बड़े से चूहे को पकड़ने के लिए इसे छोड़ा है। चूहा! मम्मी जी, घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है जमाई राजा, मैं अपना घर एक चूहे की वजह से छोड़कर आई थी और यहाँ चूहे के साथ मुझे सांप भी बोनस में मिल रहा है। मम्मी जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चुप करना लायक। शांति तो मेरी उसी दिन भंग हो गई थी जिस दिन मेरी जिगना ने तुम जैसे निकट्ठू नालायक और निकम्मे से शादी की। सर, आप महान हैं। कैसे कैसे? कोई आपकी मेरी बेइज्जती कर ले, आप पर कुछ असर ही नहीं होता। सर, सर, आप सांप को पकड़ तो लोगे ना सर? हाँ दूध, पक्का ना सर? हाँ, अगर तुम हर 5 मिनट में सवाल करोगे तो हम बीन बजा के सांप को कैसे पकड़ेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, आप बीन बजाइए, नो मोर इंटरप्शंस। सर, मैं आपकी कोई मदद करूँ क्या? चुप, चुप रहना लायक। दूध बन के खड़ा रहे वरना इसी बीन को फेंक के मारेंगे तुम्हें। चुपचाप खड़े रहो।
ये क्या हो रहा है? घर से सांप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर सांप घर के अंदर क्यों है? कि पहले घर के अंदर चूहा था ना। अच्छा अच्छा, पर ये बात हमारी समझ में नहीं है। देखिए, अगर आप हर 5 मिनट में सवाल करेंगे तो सर बीन बजाकर सांप को नहीं पकड़ पाएंगे। अरे क्या कर रहे हैं, वो देखिए आ गया है। ओ, सांप! अरे अरे यमजी, पॉइजन पॉइजन। कुल मिलाकर हमने 7 सांप और 1 चूहे को पकड़ लिया। ये रहा आपका बिल। ₹5,000 क्यों? सांप के 600, चूहे के 800। ये चूहे के इतने ज्यादा क्यों? अरे साहब, 7 सांप पकड़ने में सिर्फ 20 मिनट लगे और चूहे को पकड़ने में पूरे 2 घंटे लगे। आजकल के चूहे भी ना। हाँ ठीक है, हम समझ गए। ये लीजिए 5,000। चलो मुत्तू, बाय बाय मुत्तू। नाइस नेम। सर, अब आप ये ₹2,000 जुर्माना भी भर दीजिए। 2,000 जुर्माना क्यों? बिना अनुमति के सांप पालने के जुर्म में। लेकिन हमने सांप पाला ही नहीं, हम तो उसे चूहे को मारने के लिए लाए थे। अरे लाइए, पहले बताना था ना सर। माफ कीजिएगा सर, अब आप ₹3,000 जुर्माना भरिए। 3,000 क्यों? चूहे पर जानलेवा हमला करने के जुर्म, 1,000 ज्यादा। चलते हैं सर, और कार्यालय में जुर्माना जरूर जमा करा देना। कमाल है ना, ₹800 बचाने के चक्कर में आपने ₹8,000 खर्च कर दिए। किसने सोचा था एक छोटा सा चूहा आपको उल्लू बना देगा? उल्लू सर, दिस इज नॉट फेयर। क्या हुआ सर, और क्या अनारकली की तरह बैठे हो? अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? नहीं नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्या पता कोई और अधिकारी आ गया हो जुर्माना लगाने। नहीं खोलता हूं। कमिंग कमिंग। अरे भाभी जी, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? झूठ, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि अब इस घर में कोई भी चूहा या सांप नहीं है? हाँ भाभी जी, आइए। पेस्ट कंट्रोल वालों ने घर को बिल्कुल जानवर फ्री बना दिया है। ये मैं पकड़ लेता। अब पशु अधिकारी हमें फ्री में लूट कर चले गए। ये क्या कह रहे हैं ना भाभी जी, सर की दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगे। मैं सामान रख के आता हूँ। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, ना कोई जीव जंतु ना कोई जानवर, सिर्फ परिवार के लोग। अब मेरा घर घर जैसा लग रहा है। वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, नुकसान हुआ लेकिन घर घर जैसा लग रहा है। लेकिन एक बात हमने तय कर ली है, अब इस घर में किसी भी प्रकार का कोई भी पशु नहीं आएगा, और अगर आया तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ दीदी, जीजा जी, जब तक ये गधा इस घर में है तब तक कोई चैन की सांस कैसे ले सकता है? नहीं नहीं, गधा नहीं, पप्पी, मेरा पप्पी ताराचंद, प्यार से तारू। कितना प्यारा है ना? अरे कितना प्यारा क्या है, तुम ऐसे बिना किसी से पूछे घर में पप्पी कैसे ला सकते हो? हाँ। अरे नहीं नहीं दीदी, इसे मैं नहीं लाया, ये तो मुझे सत्या और मोहिनी ने दिया। मम्मी के लापता होने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए ये तारू को लाकर दिया। अभी ये टॉमी कौन है? मेरा चूहा। हाँ, पिछले 2 दिन से मेरे कमरे में मेरे साथ था, कल पता नहीं कहाँ चला गया। अभी भी उसे याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। हिमेश, तोबा।
क्यों, आप लोगों ने उसे कहीं देखा है? अरे देखा क्या, उस चूहे को भगाने के चक्कर में यम जी ने पूरे घर को सर्कस बना दिया था और 8,000 रुपए खर्च कर दिए थे। तो आप ही है वो जिसने मुझे मेरे टॉमी से दूर किया? एक मिनट है। क्या हुआ दूध, फिर से कोई चूहा देखा क्या? चूहा नहीं सर, छिपकली। ऐसा है तो 2-3 छिपकली पाल ले। सर मुझे तो उतारो सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।